हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नताशा की दुनिया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मिर्ची के पकोड़े, या फिर आप बोल सकते हैं मिर्ची वड़ा। तो चलिए बनाते हैं मिर्ची के पकोड़े। मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए मैं मोटी वाली मिर्ची ली हूँ, इसे मैं वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसे आपको कट करने के लिए बताऊँगी। मिर्ची के घोल तैयार करने के लिए मैं ली हूँ बेसन 200 ग्राम, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। उसकी फिलिंग को भरने के लिए मैं ली हूँ आलू। मैं 6 आलू ली हूँ, जिसे मैं बॉईल करके उसे छील ली हूँ। इसको अब मैं मैश करूँगी। इसके साथ मैं बनाऊँगी धनिया पत्ता की चटनी। धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए मैं धनिया ली हूँ, 4 टमाटर ली हूँ, इसे मैं कट करूँगी, 4 चिल्ली ली हूँ और लहसुन छील ली हूँ। इसे मुझे ग्राइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं मिर्ची के पकौड़े। ये देखिए, घोल तैयार, बेसन का घोल तैयार करने के लिए मैं सारे बेसन को एक बाउल, बड़े बाउल में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग बहुत ही ज़रूरी है, बेसन के कोई भी आइटम खाने के लिए हींग ज़रूर डालना चाहिए। इससे हमारा सही से वो डाइजेस्ट होता है। और उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी खाने वाला मीठा सोडा। अब इसका एक हम थिक बैटर तैयार करें, इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी पानी डालूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको उसको अच्छे से घोल तैयार करना है। आपको एक ऐसा घोल तैयार करना है जिसमें इसमें कुछ भी लम्प्स ना हो, बिल्कुल फाइन होना चाहिए ये। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसे मैं और ऐसे करके ये देखिए, मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब आलू के फ्राई करते हैं। आलू को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, वो गर्म भी हो चुका है। मैं 4 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा गर्म हो चुका ऑयल, अब मैं इसमें डालूँगी साबुत जीरा ज़रा सा। ये जैसे ही प्रॉप होने लग जाए मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून धनिया, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और हल्दी पाउडर। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। ये आप ध्यान रखें कि आपका मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। अब मैं इसमें डालूँगी अपने आलू। देखिए, मैं सारे आलू को अच्छे से मैश कर दी हूँ। अब इसमें मैं इसे डाल दी हूँ। अब इसे चलिए अच्छे से फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। आप ये अच्छे ध्यान में रखें कि मैं बेसन के बैटर में भी सॉल्ट डालूं तो उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालें इसमें, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, इसे मैं और 1 मिनट के लिए आलू को अच्छे से फ्राई करूंगी।
जब तक आलू अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो फिर ये टेस्ट भी नहीं लगेगा, इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे मैं बिल्कुल फुल फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मेरा आलू ऑलमोस्ट डन है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। चलिए अब मिर्ची को रेडी करते हैं। मिर्ची के पकोड़े में, मिर्ची में फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम मिर्ची को इस तरीके से एक नाइफ की हेल्प से ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक इस तरह का स्पून लीजिए जिसमें सामने थोड़ा निकला हुआ हो, उससे हम इस तरीके से इसके जो अंदर में रहती है ये आप निकाल दें बाहर। ये देखिए ये जो है इसे आप निकाल दें, इससे नहीं तो तीखा आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा आपको नहीं निकालना, हल्का सा निकाल दे। ये देखिए इसी तरीके से मैं दूसरी भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे पास इतने सारे हैं, मैं सारे को रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से ये निकल गया। अब उसी तरह से मैं इसे भी ऐसे करके इसमें कट लगा दूंगी। ये ध्यान रखिए कि आपको पूरा नहीं कट लगाना, नहीं तो ये फट जाएगा, फिर फिलिंग करने में भी दिक्कत होती है। हमारा आलू अभी ठंडा हो रहा है क्योंकि वो गर्म है, थोड़ा ठंड हो रहा है, तब तक ये हमारा सारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें उसे फिल करेंगे। ये देखिए मेरा आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं मिर्ची में फिल करूँगी। इसके लिए मैं एक स्पून ली हूँ और स्पून से मैं थोड़े थोड़े आलू को यहाँ पर फिल करूँगी इस तरीके से। ये देखिए थोड़े थोड़े, आप चाहे तो इसे हाथ से भी अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए मेरा बिल्कुल फिल अच्छे से हो चुका है। अब इसे मैं रख देती हूँ। अब मैं लेती हूँ अपने दूसरा मिर्ची। अब इसे मैं इस तरीके से आलू को अच्छे से अंदर तक फिल कर दूंगी। ये देखिए ये देखिए ये मेरा फिल हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी मिर्ची को ले लूंगी। ये देखिए मैं इसके अंदर ऐसे करके, आप जिससे कंफर्टेबल हो, स्पून से हो या फिर हाथों से हो, उससे आप उसी से अपने अच्छे से इसे फिल कर दीजिए। ये देखिए ये ध्यान रखिए कि आलू ओवर ना फिल करें, नहीं तो वो फिर निकलने लग जाएगा। उतना ही फिल करें जितना इसमें आए। ये देखिए चलिए इसी तरीके से मैं सारे मिर्ची को फिल कर लेती हूँ। देखिए मेरा सारा आलू अच्छे से मिर्ची में फिल हो चुका है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए मैं आयरन की कढ़ाई ली हूँ, इसे मैं गर्म करके इसमें ऑयल डाल दी हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप उसे फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मिर्ची पकौड़ा फ्राई करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैं मिर्ची को ले ली हूँ, इसमें इस तरीके से मैं डिप डिप करूँगी। ये देखिए
ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद आपको इस तरह से इसे एक्स्ट्रा जितना भी रहेगा, ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बेसन को हम ऐसे करके अच्छे से निकाल देंगे। उसके बाद ऐसे करके अपने ऑयल में मैं डाल दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें, ये देखिए इसे इस तरीके से आप मीडियम बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प होने तक अच्छे से फ्राई करें, ये देखिए। ये देखिए इसे आप अच्छे से पलट कर अच्छे से फ्राई करते रहें ताकि मिर्ची अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए मेरा मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं प्लेट में रख दे रही हूँ। मैं टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो हमारा निकल जाए। अब इसी तरह मैं दूसरी मिर्ची को फ्राई करती हूँ, ये देखिए। अब इसे मैं ऐसे डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं और भी मिर्ची ले लेती हूँ, ये देखिए, और एक्स्ट्रा जितना भी बेसन है मैं उसे निकाल देती हूँ। ये याद रखिए कि आपका मिर्ची अच्छे से ऊपर तक कोट हो जाए, नहीं तो फिर आपका मिर्ची में बिल्कुल कोटिंग नहीं रहेगा तो फिर खाने में वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। ये देखिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, ये देखिए इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से फ्राई कर लें, ये देखिए। फिर इसे मैं इसे पलट देती हूँ ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप इसे मीडियम फ्लेम में ही बनाएं ताकि आपका मिर्ची अच्छे से अंदर तक पके। आप अगर इसे फुल फ्लेम में पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा बट अंदर से मिर्ची कच्ची रह जाएगी, फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहें। ये बिल्कुल भी अभी जला नहीं है क्योंकि मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कर रही हूँ फ्राई। अब मैं अपने गैस के फ्लेम को फुल कर दी हूँ क्योंकि अब मुझे ये फुल फ्लेम में फ्राई करना है क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। इसे थोड़ा अच्छे से क्रिस्प होने दे तभी आपको अच्छी भी लगेगी खाने में। ये देखिए मेरा मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को कम कर दी हूँ, अब इसे निकाल लेते हैं। और फिर से मैं अपने प्लेट में रख लेती हूँ इसे। तो चलिए इसी तरह अब सारे मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं, ये देखिए। इसी तरह से मैं बाकी मिर्ची को भी फ्राई कर लेती हूँ, ये देखिए। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा जो आपका बेसन है उसे आप निकाल दें इस तरह से, ये देखिए मैं इसे भी डाल दी हूँ। अगर आप इसे ऐसे करके बेसन नहीं निकालेंगे तो फिर आपका मिर्ची में बहुत ज़्यादा बेसन रह जाएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, हल्की कोटिंग ही अच्छी लगती है, इसीलिए एक्स्ट्रा हमें निकाल देना है सारा। आप जितना ऑयल यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से आप अपनी मिर्ची डालें। मैं एक साथ चार मिर्ची को डाली हूँ,
ये देखिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अब इसे 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ये जले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखिए अब ये मैं इसे पलट दी हूँ, इसे पलट कर भी बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। एक बार इस तरह से आप बना कर देखें, आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मेरा अंदर तक ये पक चुका है, अब मैं इसे गैस को अपने फुल कर रही हूँ, अभी मैं इसे फुल करके बिल्कुल क्रिस्पी करूँगी। ये देखिए ये मैं अब इसे बिल्कुल फुल फ्लेम पर इसे मैं अंदर तक फ्राई करूँगी, ताकि बिल्कुल ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब गैस मेरा बिल्कुल फुल है, आप ये ध्यान देते रहे कि ये जले ना, इसे आप बीच बीच में इसे स्टर करके ऐसे पलटते रहे। देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, मेरा मिर्ची बिल्कुल अच्छे से अंदर तक फ्राई हो भी हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। ये देखिए अब इसे मैं निकाल देती हूँ। इसे मैं इस तरीके से निकाल देती हूँ। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे मिर्ची को अपने फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे मिर्ची पकौड़ा और धनिया पत्ता की चटनी रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज अच्छी लगी होगी, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।